क्शन पढ़ने से पहले हमने देखना है कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली exactly क्या है तो फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कॉन्ट्रेक्शन किस तरह होगी ठीक है अब स्केलेटल मसल बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ढेर सारे स्केलेटल मसल फाइबर्स ठीक है अब जिस तरह किसी भी ऑर्गन के अंदर सेल्स होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं ठीक है अब स्केलेटल मसल फाइबर के ये चार कंपोनेंट्स हैं मोटे मोटे सार्कोप्लाज्म सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्म एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है अब जिस तरह किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है तो हम मसल फाइबर की सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं सार्कोलीमा किसी भी सेल में साइटोप्लाज्म होता है तो हम मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे सार्कोप्लाज्म और इसी तरह मसल फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे ठीक है तो सारों के नाम डिफरेंट हैं तो ये आपने जरूर रखना है कि सेल मेम्ब्रेन इन मसल फाइबर इज सार्कोलिम साइटोप्लाज्म इज सार्कोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है तो अब इन तीन चीज़ों के अलावा मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रेल्स भी होते हैं माओफेब्रिल्स क्या बला है मिल्स ये बला है ये जो नीचे ये जो डायग्राम बनी हुई है. दिस इज बेसिकली दिस होल इज अब्रिल और माओफेब्रिल के अंदर क्या होती है माओफेब्रिल के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं. कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का क्या काम है कॉन्ट्रेक्शन करवाना ठीक है तो वो और वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी द टू फेमस वन मायोसिन एंड एक्टिन

1500 myosin filaments and 3000 actin filaments. Actin filaments are double in number than the myosin filaments. Here you can arrangement is not structure. Padhengi, hum. Now let's focus on the arrangement of myosin and actin filaments in a myofibril. Hai? So let's focus on this diagram. Now this is द स्ट्रक्चर जिसको जो कि सबसे काम का है और जिस जिससे सारी आपको समझ आएगी अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन अच्छा अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो हमने देखनी है कि इन सारी लाइंस में से बेसिकली एक्टिन फिलामेंट कौन से हैं और मायोसिन फिलामेंट कौन से हैं। सो दीज ब्लू आर दिन फिलाेंट ये दीज लाइन ब्लू लाइन आर एक्टेन फिलाेंट्स दीज आर एक्टिन फिलाेंट्स ठीक हो गया और इनके बीच में ये जो ब्लैक ग्रे सी पड़ी हैं दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स कौन सी ये पूरी यहां से लेके ये सारी यहां तक दिस होल इज मायोसिन फिलामेंट तो ये ब्लू लाइंस हैं अगर आप गौर करें तो इन ब्लू के बीच में इन एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में जो फिलामेंट्स पड़े हुए हैं जिस ब्लैकिश ग्लेश ग्रेश कलर दीज आर मायोसिन फिलामेंट्स ठीक है एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में रेंज है मायोसिन फिलामेंट्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन अब दो चीजें एक्टिन और मायोसिन के अलावा हैं वन इज जेड डिस्क व्हिच इज दिस रेड वन एंड अदर इज टाइटन व्हिच इज दिस ग्रीन वन अब एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स बेसिकली जेड डिस्क के साथ अटैच्ड होती हैं क्योंकि उन्होंने जेड डिस्क से सपोर्ट लेनी होती है एंकरिंग करनी होती है ठीक है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ने किसी चीज के साथ अटैच होना होता है तो फिर ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं तो वो किस वो चीज क्या है वो बेसिकली है जी डिस्क दीज रेड लाइन जो है जो दोनों एंड्स पे हमें नजर आ रही हैं दीज आर जी डिस्क ठीक है Z अब जी डिस्क से मायोसिन एक्टिन दोनों ने अटैच होना होता है एक्टिन तो आके डायरेक्टली जी डिस्क के साथ अटैच हो जाती है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे अटैच हो रही है यहाँ पे अटैच हो रही है एक्टिन दोनों एंड्स पे ठीक है दोनों के एक एंड फ्री है एक्टिन का और दूसरे एंड अटैच जबकि मायोसिन फिलामेंट्स जो हैं वो जी डिस्क के साथ कहां से अटैच होंगी वो डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही दे आर वाया टाइटन टाइटन भी एक प्रोटीन है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल प्रोटीन है जो कि मायोसिन को जी डिस्क के साथ अटैच करवा देती तो ये बेसिकली चार चीज पूरे स्ट्रक्चर में हमें पता होनी चाहिए एक्टिन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मायोसिन कॉन्ट्रेक्टायल प्रोटीन एंड दे आर बींग एंकर अटैच है और माओसिन जो है वो टाइटिन प्रोटीन के थ्रू द स्क्रीन वन वो फिर जाके जी डिस्क के साथ अटैच होता है ठीक है अब ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है फ्रॉम वन जी डिस्क टू एन अदर जी डिस्क जिसके अंदर एक्टिन मायोसिन और टाइटिन सारे आ रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सार्कोमियर गौर करें फ्रॉम वन जी डिस्क टू द अदर जी डिस्क दिस होल इज नोन एज अ सिंगल सार्कोमियर तो ये सार्कोमियर जो है ये बेसिकली एक कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट बन जाता है मसल फाइबर के अंदर ठीक है अच्छा अब अगर हम ऊपर गौर करो तो ये ऊपर जाके ऊपर जाके सार्कोमियर कहां बन रहा है दिस इज डिस्क दिस वन जी डिस्क एंड दिस इज दी डिस्क ठीक है और इनके बीच में ये सारको मेयर है और इनके बीच में देखो तो जी डिस्क से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये एक्टेन है और ये जो एक्टेन के बीच में ये जो पड़े हुए हैं दीज आर मायोसिन बेसिकली एक्टेन एंड मायोसिन आर टू कॉन्ट्रक्टाइल प्रोटीन एक्टेन डायरेक्टली ये जी डिस्क के साथ अटैच है ये एक्टेन और ये मायोसिन बीच में पड़ा हुआ है और इस डायग्राम में आपको टाइटन नजर नहीं आ रहा यहां से टाइटन मायोसिन को अटैच करके यहां तक जी डिस्क तक लेके जाता है ठीक है अच्छा इसी को हम थोड़ी सी एक बड़ी डायग्राम है अगर हम देखें सो दिस इज इट अब इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूं तो बेसिकली स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे है कि एजेस एंड पे क्या है जी डिस्क ये भी सारी जी डिस्क इस जी डिस्क के साथ ये अटैच कौन हो रहा है डायरेक्टली एक्टेन ये डायरेक्टली कौन अटैच हो रहा है एक्टिन एक्टिन प्रोटीन ठीक है और ये एक्टिन प्रोटीन के बीच में ये पिंक कलर में अगर आप देखें पूरी बार दिस इज अ मायोसिन प्रोटीन ये मायोसिन प्रोटीन है ये पूरी मायोसिन प्रोटीन है ये मायोसिन प्रोटीन है और ये मायोसिन एंड एंड टाइटिन और मायोसिन के ऊपर ये ग्रीन कलर में मैंने मायोसिन हेड्स बनाए हैं मायोसिन हेड्स हैं और ये मायोसिन हेड जाके अटैच हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रेक्शन विद एक्टिन और फिर यही मायोसिन हेड है जिनका एक्टिन के साथ इंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये मायोसिन हेड जो ऐसे करके पड़े हैं ना ये मायोसिन हेड ऐसे मूव कर जाएंगे पहले तो ये मायोसिन हेड जाके अटैच करेंगे एक्टिन के साथ फिर ये जो इस इस डायरेक्शन में पड़े ये एकदम से ऐसे मूव कर जाएंगे और जैसे ये ऐसे मूव करेंगे तो ये अपने ऊपर जो एक्टिन पड़ा हुआ है उनको खींच के सेंटर में ले आएंगे यानी कि मूवमेंट कुछ इस तरह होती है कि अगर ये एक्टिन है ठीक है इसमें हैंड और यह हेड है तो हेड पहले अटैच नहीं होगा अटैच हो जाता है एक्टन के साथ और फिर एक, और एक्टन को फिर खींच के इस तरफ को ले आएगा इस राइट साइड वालों को सारों को मिड की तरफ ले आएगा और लेफ्ट साइड वाले ये हेड इनके साथ अटैच होके इनको खींच के इस तरफ को ले आएंगे ठीक है यानी कि दोनों हेड्स यूं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उनके ऊपर जो एक्टिन प्रोटीन्स पड़ी हैं वो सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगी और ये इस तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है और फिर ये मसल का साइज छोटा हो जाएगा सार की लेंथ छोटी हो जाएगी क्योंकि यहाँ से यूँ यू करके कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है इसका हेड्स को एक और डायग्राम में ज़्यादा क्लियरली समझ जाती है तो ये है ठीक है नाउ दिस इज द मायोसिन फिलामेंट इन दिस डायग्राम इसके ऊपर ये एक्टिन फिलामेंट पड़ा हुआ है और ये मायोसिन हेड जाके एक्टिन के साथ लग रहा है ठीक है और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है तो ये मायोसिन हेड पहले अटैच होता है और फिर इसको

अब इसके अंदर अगर आप गौर करें बहुत छोटी छोटी लेबलिंग हुई है चीजों की वो सारी चीजें क्या हैं लेट्स फोकस ऑन वन इज ए बैंड सार्कोमीयर के अंदर वन इज द ए बैंड एंड द अदर वन इज द आई बैंड ए बैंड इज फ्रॉम एन आइसोट्रोपिक एंड आई बैंड इज फ्रॉम आइसोट्रोपिक अब आई बैंड किस रीजन को कहते हैं अगर आप यहां पे गौर करें तो ये जो रीजन है यहां से लेके यहां तक यानी कि ये सारा जो लाइट कलर्ड रीजन है इसको हम कहते हैं आई बैंड और ये जो डार्क कलर्ड रीजन है यहां से लेके यहां तक जिसके बीच में हल्के से लाइट भी है कलर रीजन भी है, है बट ओवरऑल ये डार्क कलर रीजन यहां से लेके यहां तक इसको हम कहते हैं ए बैंड अब अगर आप गौर करो तो आई बैंड के अंदर क्या आ रहा है नीचे आई बैंड के अंदर एक तो ये जी डिस्क पड़ी है और जी डिस्क के साथ वो वाला पोर्शन है जिसमें कि सिर्फ जी डिस्क के साथ एक्टिन अटैच्ड है यानी कि बेसिकली आई बैंड में वो पोर्शन है जहाँ पे खाली एक्टिन आ रहा है और ए बैंड के अंदर ये सारा ए बैंड है ए बैंड के अंदर वो पोर्शन आ रहा है जिसके अंदर के एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं दोनों साइडों पे मायोसिन की ठीक है तो खाली एक्टिन वाला पोर्शन जो है दैट इज आई बैंड और ये एक्टिन और मायोसिन का ओवरलैप पोर्शन जो है ये सारा ये ए बैंड अब ये आई बैंड को आइसोट्रोपिक क्यों कहते हैं दिस इज बेसिकली आइसोट्रोपिक इज आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट और एन आइसोट्रोपिक इज एन आइस बेसिकली एन आइसोट्रोपिक टू पोलराइज लाइट अच्छा अब आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है मतलब ये होता है आइसोट्रोपिक का अगर कोई भी लाइट लाइट जब किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है ठीक है तो लाइट रेज बैंड हो जाती हैं रिफ्रैक्ट हो जाती हैं फिजिक्स का पुराना प्रिंसिपल ठीक है लाइट अगर किसी मीडियम के अंदर आई जैसी आकर टकराएगी तो लाइट सीधी नहीं जाएगी वो बैंड कर जाएगी ठीक है तो ये होती है रिफ्रैक्शन तो अगर तो जिस मीडियम के अंदर लाइट एंटर हो रही है उस पूरे मीडियम का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो यानी कि बस अंदर आई और एक दफा ही बैंड हो गई दैट्स इट यानी कि पूरे मीडियम का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक और अगर पूरे मीडियम का एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना हो यानी कि लाइट अंदर आके एक दफा बैंड हुई फिर, फिर आगे गए तो फिर दोबारा बैंड हो गई फिर दोबारा बैंड हो गई यानी कि उसके पूरे

तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज होता तो इसे एन है एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है पूछ लेते हैं आप देखें तो यहाँ पे एक चीज मैंने कहा था कि इसके बीच में एक छोटा सा रीजन है जो के लाइट कलर है यानी कि ऐसा रीजन है जिसके अंदर और एक्टिन अभी ओवरलैप नहीं किए ठीक है थीके? और यहाँ पे खाली मायोसिन ही पड़ा हुआ है इस रीजन में दैट इज एच बैंड ये जो लाइट पोर्शन इन द डार्क है इन द यानी कि ए बैंड के बीच में ही जो लाइट पोर्शन है उसको हम एच बैंड कहते हैं यानी कि खाली मायोसिन वाला जो पोर्शन है वो एच बैंड है खाली एक्टिन वाला पोर्शन जो है वो आई बैंड है और दोनों का कोलेक्टिव ओवरलैप इंक्लूडिंग द एच बैंड इज ए बैंड ठीक गया तो अगर ये एच बैंड तो यहां पर भी ये खाली जो मायोसिन वाला पोर्शन है इसको एच बैंड डिक्लेयर किया गया है और एच बैंड के भी के भी अगर हम बिल्कुल एच बैंड की भी एक सेंट्रल लाइन ले लें मायोसिन के सेंटर की एक सेंट्रल लाइन ले लें तो इसको हम कहते हैं एम लाइन जो कि आगे किसी और डायग्राम में लेबल आएगी अब हमें पता चल गया एक्टिन क्या है मायोसिन क्या है जीडिस क्या है टाइटन क्या है ए बैंड क्या है आई बैंड क्या है एच बैंड क्या है और एच बैंड के बीच में यहां एक पतली सी लाइन एम लाइन क्या है तो ये सारी चीजें यहां पे हमें अभी तक इन डायग्राम्स में समझ आ गई अच्छा सारे स्ट्रक्चर के पढ़ने का मकसद क्या था सारे स्ट्रक्चर पढ़ने का मकसद यह था कि हम मसल की कॉन्ट्रेक्शन करवा लें और उसका मैकेनिज्म तो अब मसल की कॉन्ट्रेक्शन में तो एक ब्रीफली मैंने बताया था कि मायोसिन हेड्स और एक्टिन के बीच में इंट्रैक्शन होगा और ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन के ऊपर ऐसे स्लाइड करके सेंटर में मूव कर जाएंगे जब कॉन्ट्रेक्शन होगी डिटेल में बाद में पढ़ते हैं मगर वो उस कॉन्ट्रेक्शन तक पहुंचने के लिए क्या मैकेनिज्म है कैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा क्या रिलीज होगा कौन सा आयोनिक चैनल खुलेगा तो फिर जाके कॉन्ट्रेक्शन होगी तो लेट्स डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड टेल्स अस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ठीक है अब मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन में क्या हो रहा है हमारे पास देखिए जब भी किसी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तो उस मसल के ऊपर एक मोटर नर्व आती है जो कि उस मोटर नर्व एक मिसाल के तौर पे आपने अगर अपनी ये मैंने अपना हाथ मैंने अपना हिलाना ऐसे करके तो मेरे ब्रेन से एक कमांड आएगी मेरी फिंगर्स के मसल्स को कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर दें फ्लैक्स कर दें ठीक है अब वो कमांड किसके थ्रू आएगी वो कमांड आएगी थ्रू मोटर नर्व ठीक है तो होता क्या है पहला स्टेप ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल अलोंग द मोटर नर्व आता है ठीक है और वो एक्शन पोटेंशियल जाके कहां पे वो मोटर नर्व कहां पे खत्म होती है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे ये मसल पड़ा है ये मोटर नर्व आ रही है और ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन गए ठीक है यानी कि नर्व और मसल ये मसल है इनका जंक्शन है दैट इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तो एक्शन पोटेंशियल मोटर नर्व के थ्रू आता है और वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर पहुँच जाता है अब जब वो एक्शन पोटेंशियल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुंचता है तो वहां से नर्व के एंड पे एसेटाइल कोलिन रिलीज होता है यानी कि अगर ये मसल है और ये नर्व है तो इस नर्व के एंड पे एसे टायल कोलिन रिलीज होगा ठीक है अब वो एसेटायल कोलिन रिलीज होकर मिसाल के तौर तो पर यह एसिटाइल कोलिन था यह नर्व के एंड से एसेल कोलिन रिलीज हुआ ठीक है ये सिटायल कोलिन रिलीज होकर जाके लग जाएगा एसेटाइल कोलिन गेटेड चैनल्स ऑन द मसल मेम्रेन ठीक है एक्शन पोटेंशियल आया अलॉन्ग मोटर नर्व वो जाके नर्व जाके हिट की मसल के साथ तो जहां न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन रहा है जंक्शन ऑफ नर्व एंड मसल जो बन रहा है वहां पे जाके एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा अब जब ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा एसिटाइल कोलिन साहब यहां पर आके मसल पर लगे ठीक है और इसने यहां पर एसिटाइल कोलिन गेटेड पॉजिटिव चैनल्स खोल दिए एसिटाइल कोलिन गेटेड कैटाइन चैनल्स खोल दिए ठीक है कैटाइन मीन्स पॉजिटिव आयन्स ठीक है जब ये पॉजिटिव ईजा के मसल पे लगा एसिटा इस और इसने यहां पे पॉजिटिव चैनल्स खोल दिए तो अंदर इससे पॉजिटिव आयन अंदर मूव कर जाएंगे इस चैनल से ठीक है और जैसे ही सोडियम आयन्स अंदर मूव करेंगे थ्रू एसेटाइल कोलिन गेटेड कैटाइन चैनल्स तो इनसाइड क्या हो जाएगी सोडियम एक पॉजिटिव आयन है ना तो सोडियम के अंदर मूव करने से क्या हो जाएगी इनसाइड पॉजिटिविटी अब आपको पता है कि जैसे ही अंदर पॉजिटिविटी होती है किसी भी वजह से मसल के अंदर ये किसी भी सेल के अंदर पिछले लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था पिछले चैप्टर में तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खोल जाते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कब खोलते हैं किस चीज़ को बेसिकली रिस्पोंड करते थे फ्यू रिमेंबर वो रिस्पोंड करते थे पॉजिटिविटी इनसाइड द मैम्ब्रेन इनसाइड द सेल जैसी पॉजिटिविटी इनसाइड होती है तो सोडियम चैनल्स इस स्टेमुलस पे खुल जाते हैं पहले जो सोडियम अंदर आया ये वोल्टेज वोल्टेजेड सोडियम चैनल से अंदर नहीं आया था ये इसे टाइल कोलिन गेटेड कैटाइन चैनल से अंदर आया था जिसने इनसाइड पॉजिटिविटी की और उस पॉजिटिविटी के रिस्पॉन्स में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल गए और अब ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जब खुलते हैं तो क्या होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है डीपोलराइजेशन हो जाती है सोडियम चैनल खोलने से सोडियम अंदर जाएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगी जब डीपोलराइजेशन हो जाएगी इसका मतलब है कि मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया और जब मसल फाइबर के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वो एक्शन पोटेंशियल क्या करता है मसल फाइबर के अंदर जो मसल फाइबर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसे हम सार्को रेटिकुलम कहते हैं वो सार्को रेटिकुलम कैल्शियम आइन को रिलीज कर देता है और जब कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो वो कैल्शियम आयन क्या करवाते हैं वो कैल्शियम आयन जाके एक्टिन और मायोसिन एक, मायोसिन हेड्स को एक्टिन के साथ अटैच करवाते हैं और कॉन्ट्रेक्शन करवा देते हैं मैंने पीछे कहा था ना कि मसल कॉन्ट्रेक्शन किस तरह होती है मायोसिन हेड्स जब एक्टिन के साथ अटैच होंगे और मायोसिन हेड्स इस तरफ को मूव कर जाएंगे इस तरह कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी मगर वो मायोसिन हेड अटैच क्यों क्यों करते हैं वो हमेशा अटैच करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे ठीक है और इस तरह हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन अब ये कॉन्ट्रैक्शन खत्म किस तरह होगी कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है क्यों क्योंकि जो कैल्शियम आय सार्को रेटिकुलम से बाहर आया था वो ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद वो कैल्शियम आयन वापस रेटिकुलम के अंदर पंप बैक हो जाता है वापस यानी कि कैल्शियम आयन जो निकला था वो वापस चला जाएगा थ्रू कैल्शियम पंप इन सार्को प्लाज्मिक रेटेकुल्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह फिर मसल कॉन्ट्रेक्शन सीज कर जाती है अभी बेसिकली मैं आपको एक एक स्टेप करके डिटेल पढ़ा रहा हूं मसल कॉन्ट्रेक्शन पहले मैंने स्ट्रक्चर बता दिया फिर मैंने बताया अब मैं बता रहा हूं कि बेसिकली पीछे से नर्व किस तरह आएगी किस तरह एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और किस तरह वो आगे जाएगा इंट्रेक्शन कराएगा अब आगे पूरे चैप्टर में और उससे अगले चैप्टर में भी आप इन्हीं स्टेप्स की डिटेल पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एक, एक, एक इंट्रैक्शन हो किस तरह रहा है मायोसिन हेड का और आ, एक्टिन का ठीक है ये एग्जैक्टली साफ रेटम से कैल्शियम किस तरह रिलीज हुआ था ठीक है आई जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस होता क्या था उससे पहले एक्शन पोटेंशियल आता है मोटर नर्व से वो जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचता है वहाँ से एसिटाइल्कोलिन रिलीज होता है एसिटाइल्कोलिन एसटाइलकोलिन गेटेड चैनल ऑन मसल पे लगता है जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन गेटेड कैटाइन चैनल्स खोल जाते हैं उनकी वजह से सोडियम अंदर मूव करता है सोडियम के अंदर मूव करने की वजह से इनसाइड पॉजिटिविटी होती है उस इनसाइड पॉजिटिविटी को वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल सेंस करते हैं और खुल जाते हैं मजीद खुल जाते हैं और मजीद ढेर सारा सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है और जब वो सोडियम अंदर की तरफ मूव करता है तो डीपोलराइजेशन हो जाती है और डीपोलराइजेशन मींस कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया उस एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन वो बेसिकली क्या करवाती है सार्को रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाती है वो कैल्शियम जाता है मायोसिन हेड्स के पास और कहता है चलो अभी एक्टिन के साथ अटैच करो और कॉन्ट्रैक्शन करवा दो और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है अब इस कैल्शियम ने कॉन्ट्रेक्शन करवाई थी अब ये कैल्शियम साहब कहेंगे कि बस मैंने कॉन्ट्रेक्शन करा दिया है मेरा काम हो गया खत्म अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय मैं वापस जा रहा हूँ सार्कुल प्लाजक रेटिकुलम के अंदर थ्रू कैल्शियम पंप और वो वापस अंदर चला जाता है और इस तरह मसल कॉन्ट्रेक्शन सीज कर जाती है अब इन सारी चीज़ों की डिटेल नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करते हैं